गाइस गाइस आखिरकार एक खतरनाक वीडियो आ चुकी है आपके पास। कि आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं वेडिंग में विदाउट इनविटेशन, पर हम वेडिंग में जाएंगे, शादी में जाकर हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे 4 टास्क। वहाँ पे जाकर डांस करना पड़ेगा, स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी, वहाँ का खाना खाना पड़ेगा और सबसे हार्ड दूल्हा दुल्हन से मिलना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, क्योंकि अगर मैं ये कपड़े पहन के चला गया, आप वेट करो, आप जाना मत, मैं अभी आ जाऊंगा चुटकी बजाते ही। आ गया गाइस, तो बैठ रहो और मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ भी चलते हैं। मेरे दोस्त अभी नीचे होंगे, मैं उनके साथ दिखाता तुम्हें कैसा लग रहा हूँ। रेट मी 150 रुपया देगा भाई। अब हम रेडी हो चुके हैं शादी में निकलने के लिए, और अभी कैब हमारी आने वाली है, हम निकलने वाले हैं। और शादी बहुत अमीर वाली है, तो हम पूरा डिसिप्लिन के साथ जाएंगे, कुछ ही वक्त करेंगे। इसका आउटफिट देखो, मेरा आउटफिट देखो, और मेरे दो चले इसका आउटफिट देखो और इसका आउटफिट देखो, जिसका बढ़िया लगे कमेंट में बताओ भाई। विशालों पे लिख दो सबके सब, रेड ब्लू और ब्लैक, जो सा आउटफिट आपको पसंद आ रहा है उसके हार्ट स्पैम कर दो, ब्लू हार्ट स्पैम कर देना, ओके। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं हमारी शादी के लिए, और देखते हैं अब हम गाड़ी के अंदर है और हम पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। आधे घंटे पहुंच जाएंगे ना भैया, 25 मिनट पहुंच जाएंगे भैया। जैसे गाड़ी बगा रहे हैं वैसे लगता है 20 मिनट पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और मेरी वीडियो चल रही है इधर, जल्दी ट्रेन का नंबर देखना पड़ेगा कहाँ रुके। और अपने ट्रेन वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाकर देख लो। Meanwhile A few minutes later. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शादी में, देखो कितनी अमीरी वाली शादी है। जबकि शॉट दिखाओ, मोटी जान मोटा, पानी वाला सीन दिखाओ, पानी वाला सीन जैसा में दिखे अलग। और अब हम एंटर करने वाले शादी के अंदर, कुछ गिफ्ट तो लाया नहीं, मैंने सोचा था गुलदस्ता दूंगा, अभी रोड पे देखें गुलदस्ता मिलेगा तो देंगे। गरीबों, इस शादी का लोकेशन मेरे को एक दोस्त ने दिया था कि मेरे घर के पास शादी हो रही है, तो उसके लोकेशन के यहाँ से आया हूँ भाई। तू देख रहे ना, थैंक यू तेरे को। फिर के अंदर घुस रहे, एक्चुअली कपड़ा बहुत अच्छा पहन रखा मैं, बोला नहीं जा रहा, बहुत ठंडी हो रही है यहाँ पे। तो हम सब ने ऐसे ऐसे कपड़े पहन लिया है कि कोई हमें रोकने वाला है नहीं। हमारा कैमरा मैन ही बढ़िया कपड़े पहन का है। सिस्टर चले फिर अंदर, चलो अंदर, चलो चलो। गाइस हम खड़े थे अभी यहाँ पे, मैं विशाल सुवांकर सब खड़े थे, एक भैया है उसे विशाल पूछ रहे लड़के वाले की तरह, उससे लड़की वाला नाच सुन पड़ गया, बिल्कुल चुप ऐसे चुप खड़ा है। पैसा देख लो गाइस, इनको पैसा देख लो आसमान में पैसे उड़ रहे हैं। पैसा दिखा दो, जिंदगी में कुछ करना है लड़की बटाना, पैसा कमाओ पैसा। गार्ड वाले ने हमें वैसे रोका नहीं, कुछ बोला नहीं। गाइस अब हम नाचने वाले, चलो आ जाओ, पहले टास्क नाचना है। हम नाच वाच लिया, आपने तो वीडियो देख लिया होगा। अभी हम पीने का सौदा, ये कोक पी रहा है, मैं कॉफी पी रहा हूँ भाई। मुझे तो दिखा, कहाँ गए तू? तो गाइस नाच के बहुत मजा आया, मेरे पहाड़ों की हालत देख होगा, बहुत जोर से नाचा भाई, बहुत आप सफाई करके नाचा, नाचे नाचे सबको नचा भी दिया। जब तक हम वहाँ पे गए थे ना, जब तक खाली था, जब हम वहाँ पे नाचने लग गए आधे घंटे तक सब आ गए वहाँ पे। गाइस मैं नहीं नाचा, मुझे मजा नहीं आता नाचने। रोला मचा दे, रोला क्रेज दबदबा। चम्मच लाओ, यो आले दस में केसर है। तो हमने डांस कर लिया और मिठाई खा लिया और कॉफी पी ली, अब हमने मेन खाना खाया नहीं है और दूल्हे से भी मिले नहीं है, दूल्हे से मिलना पड़ेगा हमें। दूल्हे को देगा क्या? दूल्हे को
वो तो गिफ्ट दूंगा दूल्हे को और बोलूंगा अभी बिना इनविटेशन का आया हूं। वो पता नहीं कौन जूम करी हो। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था क्योंकि मेरे पे कोई ध्यान देने वाला था नहीं, और तभी ये तीन लड़के आते हैं और मेरे पे बिल्कुल ध्यान देने लगते हैं। ये कर क्या रहे? और मुझे लग रहा था इनसे डर क्योंकि ये जाके बताना थे ये लड़के फ्री में आए हैं शादी में, पर मैं इन्हें इग्नोर मारने लग गया। मेरा खाना वाना खत्म हो गया, इधर देखो जरा, पूरा सौदा वादा खत्म हो गया। अब क्या खत्म करने वाला यही है। नाच के बहुत मजा आ गया। मेन खाना खाए। देख सुन मेरी बस, दो प्लेट पावा जी के लेते, दो प्लेट वो पावा जी में नहीं खाता, ये सारा चार प्लेट मांग रहा मैंने। पावा जी मैंने मान नहीं रहा, नॉर्मल खाना खा ले। सही बताइयो, विशाल ने दारू पिया नहीं है? विशाल ने हाँ। मैं सब कट कर दूंगा, पर बोल मत, कट कर दूंगा। अबे खामा के इसके माँ बाप देखेंगे भाई, कल से बोलेंगे इन दोनों के साथ मैं घूमियो। खाओ माँ का सब नहीं पिया, इसका नाम का लौंडा बिगाड़। अभी टिक्की चल रहा, क्या क्या खा लिया? इन्हें गोलगप्पे खाए, मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, इन्हें बहुत कुछ खाया भाई। तो गाइस अभी हम एक बंदे से पूछने वाले हैं कि मैं बिना इनविटेशन के शादी में आया हूँ, तो एक बंदा ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं। ये जो मैं इधर वॉक कर रहा था, मैं किसी बंदे को ढूंढ रहा था, उससे बोलूं कि मैं शादी में फ्री में आया हूं, बट मैं इतना गट ला नहीं पा रहा था, अपने अंदर डर लग रहा था क्योंकि अगर किसी को पता लग गई तो मार बहुत पड़ेगी और वो मार सही नहीं पाएंगे क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर है। मेरे चलने के स्टाइल से समझ सकते हो मैं अंदर से कितना डरा हुआ था। आपको मैं नहीं जानते, तो आपको बताया ना, आपसे पहली बार मिला, इंजॉय करो पूरा, ठीक है? धन्यवाद। फैमिली साथ रहता हूँ। ओके धन्यवाद अंकल। अरे धन्यवाद अंकल, शुभ। मेरा नाम है शुभांकर, मिस्टर लेजर। और जी अंकल मिले हमें, बहुत ही चिल अंकल थे, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई बंदा हमें ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि अंकल बोल रहे थे हमने भी ऐसा हरकतें बहुत किया जब हम छोटे थे। और इस वाले वीडियो में इतना साउंड आ नहीं रहा था क्योंकि हमारा जो माइक था, माइक का चार्ज खत्म हो चुका था। हमने जब फुटेज चेक किया फिर जाके हमें पता चला बहुत गलत हो गया ये तो। अंकल बिल्कुल हमारे, कोई बात नहीं, शादी में आयो मौज करो भाई, मजा आ गया भाई। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दो जैसे अंकल ने अभी किया। भाई आपने देखा कि एक बंदे से हमने पूछ लिया, अब हम एक और उन अंकल बहुत, अंकल बहुत अच्छे निकले। अभी हम एक भाई से पूछेंगे, ये भाई यहाँ पे खड़ा है, हमें देख रहा है तब से, हम उसके तब देख रहे थे। तो भाई कैसे हो तुम्हें बताओ, कैसे हो? सब बढ़िया, काम धाम चल रहा है ना? एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मैं ना इस शादी में बिना इनविटेशन का आया हूँ। एडमिशन नहीं, इनवाइटेड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसकी तरफ से आए? हम हाँ, मैं आप इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से आया हूँ, ठीक है? तो कोई कुछ हो तो मुझे बता लेना, ठीक है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, और मैं किसी को नहीं जानता। तो अब हम जाएंगे फिर में शादी में, दूल्हे के पास जाएंगे, तो मैं जैसे दूल्हा कुछ बोलेगा, दूल्हे को भी जाकर मैं ये बोलूँगा, तुम्हें क्या लगेगा दूल्हा कुछ बोलेगा? नहीं। तो कुछ खाएगा नहीं? चल रहा है खाने, कोक पी ली तूने? इसने मेरे से पहले कोक पी ली, ये मोटा ना क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? तेरी कंप्लेन कर रहा है ये? मुंह देखो उसका, अभी भी मुंह में फंसा पड़ा है। तब से खाया जा रहा है, दो घंटे से खाया जा रहा है नॉन स्टॉप। ये देखो गाइस, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, फ्रूट्स के अलावा कुछ और नहीं खा रहा, इसके तरह नहीं, पाव भाजी गोलगप्पे गोलगप्पे अभी वो सब दबा चुका तू भाई। कौन अब बोलने की बात है? ओए खैमा इधर आ, आप इसका नेचर देख लो, माँ कसम खिलवा रहा है, ऐसे परिवार से पला पड़ा है, खैमा खैमा जैसे लोगों से। हम इस जगह पर रहते भी नहीं है, पर तब भी अंकल ने एक बार मना नहीं किया टेप के लिए, अंकल ने सीधा हाँ बोल दिया। और अंकल इस टाइम पे अगर मना कर देता मैं कहीं पे टेप नहीं मिलता। धन्यवाद अंकल आपका बहुत सारा, हम तो यहाँ पे रहते भी नहीं, बहुत दूर रहते हम, तो काम होना चाहिए, दुकान भी आपने। और यहाँ पे क्या मैटर हुआ था,
हम दूल्हे से मिलने जा रहे थे पर हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं था क्योंकि हम गिफ्ट लाना भूल गए थे और वहाँ पे कोई फूल वूल की दुकान नहीं थी। तो हमने शादी से फूल तोड़ लिए सारे जो कि सारे सेपरेट थे। अब हमें जोड़ना था इसे, जोड़ने के लिए हमारे पास कोई था नहीं, ब्लिंकिट भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी। और तभी हमें ये अंकल मिले और हम इनके दुकान में जाके इनसे टेप मांगे। अंकल ने मना नहीं किया, अंकल ने यूं ही दे दिया, इधर ले लो। ये मैटर था यहाँ का। अभी हम ये गुलदस्ता दूल्हे को देने वाले यहाँ पे जरूर आना अंकल, बहुत अच्छे। और हमें अचानक पूरा फोन नंबर देगा। अभी हम गुलदस्ता देने वाले हैं दूल्हे को। अब आ गए थे लास्ट टास्क करने का, हमने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए थे और अब हम जा रहे थे दूल्हा दुल्हन से मिलने। तो दूल्हा थोड़ा बिजी था, बस हम दुल्हन का शूट कर रहे थे इस टाइम पे। जब दूल्हा खाली होगा उस टाइम पे जाएंगे और दूल्हा से पूछेंगे। डर तो लग रहा है भाई, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, डर तो लगेगा ही लगेगा, पर डर के आगे जीत है। आपको तो पता ही है बात, डर के आगे जीत है। मैंने सोचा ये सब रस्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो इस टाइम पे हम अपना डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे जब खाली होंगे। मेरी कहते भाई को भी 2028 विधानसभा BKL का नेता कीजिए, सरकार चलेगी, सरकार चलेगी शुभांकर सरकार की। हाँ, विशाल हल्दर, विशाल हल्दर ना खेमा को वोट दे नो भाई, अपने टास्क तो पूरा कर ले, खाना खाने वाला। 1 hour later हमारा खाना भी हो गया था और 20 मिनट और हो गए तब भी दूल्हा अभी तक खाली नहीं हुआ था। तो गाइज हमने खाना खा लिया, डांस कर लिया, रैंडम लोगों से बोल लिया कि बिना इनविटेशन के शादी में आए, बट हम दूल्हे के पास नहीं जा पाए क्योंकि दूल्हे के पास बहुत भीड़ है। एक बार वो भीड़ देख लो, वो भीड़ खत्म नहीं हो रही, हम तब से 20 मिनट से 1 घंटे से खड़े हैं। कोई हमें वहाँ पे जाने के लिए मौका देगा पर कोई मौका ही नहीं दे रहा, लेकिन बॉडी गार्ड खड़े हैं वहाँ पे। ऊपर से बहुत भीड़ है गाइस, बहन चाचा ताऊ सारे फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। भाई 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 जाने से पहले एक चीज तो देख लो यार, ये राक्षस भाई जब से आया है तब से कुछ ना कुछ खाए जा रहा, रुक ही नहीं रहा भाई। मतलब जब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं दूल्हे के पास तब भी खाए जा रहा कुछ ना कुछ। एक भाई खा के ये लेके कहा जाएगा, ये लेके कहा भाई, क्या बोल रहा है? पकड़ तू पकड़, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या कह रहा है तू? तो गाइस देखो अभी भी इस जगह पे भीड़ खत्म नहीं हुई और हम दूल्हे के पास पहुंच ही नहीं पाए, इस बात का बड़ा अफसोस है। टाइम दिखा दो भाई, टाइम कितना हो रहा है? टाइम दिखा, 12:30 हो रहे हैं। और हम कितने बजे से यहाँ खड़े थे? 10:30 बजे तक खड़े थे, 10:30 बजे तक हम खड़े थे कि दूल्हे से मिल पाए। एक तो बारात इतनी लेट आई इनकी, सब कुछ बढ़िया था पर इस बात का अफसोस है कि दूल्हे से नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, और कभी, अभी नहीं तो और कभी। दूल्हा खाली नहीं था, दूल्हा इतना बिजी था, क्या कर सकते। ये विशाल नाम का लड़का फ्री में खाना आया है। चेक कर बेहद रोली, चेक कर।